तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, व्हाट इज़ ए लीप ईयर एंड व्हाई आवर ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स स्किप्ड वन ऑफ देम। मतलब लीप ईयर क्या है और क्यों होता है, और कई सालों में लीप ईयर होने के बावजूद उसे क्यों स्किप किया जाता है, उसका एक डिटेल्ड कैलकुलेशन और एनालिसिस है। तो इससे पहले हम लोग इसका चर्चा करें, आप लोग बोलते कि मैं इसी तरह हर रोज़ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेशन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मद्देनज़र डिस्कस करते रहता हूं। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हमें मालूम है लीप ईयर क्या होता है और कब आता है। ये हमारा हर कैलेंडर ईयर का 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। जैसे कि 2016, 2020 और 2024 आपका इस साल भी लीप ईयर है और फरवरी का 29 डेज रहेगा, तो लीप ईयर आपका 2024 को नेक्स्ट होगा। लेकिन इसका अगर लीप ईयर आपका बोला जाता है मल्टीपल्स ऑफ 4, कोई भी साल को अगर इंटू 4 करते हैं तो वो या डिवाइड बाई 4 होता है तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो साल 1900 था या 2100 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, इसके बावजूद कि ये दोनों साल 4 से डिवाइड होता है। तो ये नहीं है कि अगर साल का एंडिंग 00 होता है तो वो लीप ईयर होगा, क्योंकि इसकी भी एक एक्सेप्शन है। तो उसी की डिटेल हम लोग जानेंगे आगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि लीप ईयर हम लोग क्यों चाहिए, व्हाई वी हैव लीप ईयर, हम लोग लीप ईयर क्यों रखते हैं। देखिए, जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसके लिए उसको करीब 365 और करीब करीब 6 घंटा लगता है। तो साल तो सिर्फ 365 डेज होती है, तो बाकी का जो 6 घंटा रह गया उसको कंपेंसेट करने के लिए, देखिए 6 घंटा मतलब आपका हर 4 साल में 6 × 4 कितना हो गया, 24 आवर्स। तो ये हो जाता है हमारा 1 डे, एक दिन के करीब होता है। इसी को ऐड करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, इसी की भरपाई के लिए हर 4 साल में चौथे साल को एक दिन, जैसे कि फरवरी का एक दिन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उससे जैसे कि इसका जो भरपाई हो 6 घंटा का। लेकिन अभी जो ये 6 घंटा जो कोई की साल जैसे कि हमारा 1900 हो गया या 2100 सन हो जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, इसकी वो क्यों, इसके लिए भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो लीप ईयर जो पहले किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था जूलियस सीजर ने, कितने साल को, सन 46 बीसी ईसा पूर्व, और ये 1280 से आपका ये रेगुलरली ये कैलेंडर में आपका अपडेट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो सूर्य जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग आपका 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकेंड्स है। ये आपका 365 दिन और 6 घंटा भी नहीं है, बल्कि उससे कम है। अभी देखिए, अगर हर लीप ईयर को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 4 साल में, तो वो आपका 6 घंटे के हिसाब से लिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये 6 घंटा आपका 6 घंटे से कम है। तो इसी तरह अगर हर साल, हर चौथे साल अगर हम लोग ऐड करते हैं एक एंटायर डे को, तो क्या होता है, ये जो कैलेंडर का जो साल हो जाता है वो जो सूर्य की जो परिक्रमा की, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य की जो सोलर ईयर है उससे बड़ा हो जाते हैं, मतलब उससे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखा गया है हर साल ये इसका एक डिफरेंस आ जाता है आपका जो कैलेंडर ईयर और सोलर ईयर में 11 मिनट और 4 सेकंड की एक डिफरेंस आ जाती है। तो इसी को अगर भरपाई करना है तो हमें एक लीप ईयर को एक साल में घटाना होगा, या किसी एक साल को हमें लीप ईयर नहीं रखना होगा, तभी ये सोलर ईयर और जो कैलेंडर ईयर है
उसका मतलब आपका सिमिलरिटी होगा या एक समान होगा। ये जो जो गलतियाँ, ये जो खामियाँ थी पहले बार जो 1600 दशक में आपका पोप ग्रेगोरी 13 ने ये दर्शाया था, और उन्होंने कहा कि जो सोलर ईयर है वो जो कैलेंडर ईयर से 10 दिन पीछे चल रही है, बल्कि या मतलब आपका कैलेंडर में 10 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ये लीप ईयर की वजह से। तो 1582 आपका 82 में 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने क्या किया, आपका 10 दिन कैलेंडर से घटा दिया ताकि ये सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर सेम रहे, और अक्टूबर 4 से डायरेक्ट आपका अक्टूबर 15 पे कैलेंडर लिया गया, मतलब 10 दिन घटा दिया गया आपका कैलेंडर से। अभी देखिए, हर साल अगर 00 से एंडिंग होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि उसको लीप ईयर होने के लिए 00 से पहले मतलब आपका जो अगर जो नंबर आएगा वो भी आपका 4 से डिवाइड होना होगा, तब तभी आपका अगर ये डिविजिबल बाय 4 होगा तभी हमारा ये लीप ईयर कहा जाएगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो हमें उसको लीप ईयर नहीं पकड़ना होगा। जैसे कि हमारा 2100 हो गया या 1900 हो गया था, 2100 में आपका क्या हो गया, आपका ये 1 आपका 4 से डिवाइडेड नहीं है, तो 2100 सन 2100 साल अगर कोई जिया उतना साल तो 2100 साल आपका लीप ईयर नहीं होगा। और जो 1900 साल गया पिछले दशक में तो वो भी आपका लीप ईयर नहीं था, क्योंकि ये 1900 डिवाइडेड बाय 4 नहीं है, तो ये नॉट आपका 4 डिवाइडेड नहीं है। तो अभी देखिए, लीप ईयर की जो हिसाब है उसकी एक लेखा जोखा यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले कंडीशन जो लीप ईयर होगा, पहले कंडीशन उसके लिए आपका ईयर डेट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 इज ए लीप ईयर, एक पहला कंडीशन है, वो साल आपका 4 से मल्टीपल डिविजिबल होना होगा। ईयर एंडिंग विथ 00 इज़ नॉट ए लीप ईयर, परंतु आपका अगर 00 से अगर वो डिविजिबल है फिर भी वो लीप ईयर नहीं होगा, वो क्योंकि जो नंबर आपका 00 से पहले है वो आपका 4 से डिवाइड होना होगा। जैसे कि अभी हमने दर्शाया था 1900 सन 1900 साल और 2100 साल जो आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 2000 आपका सन 2000 आपका लीप ईयर था, जैसे कि 1600 था 2000 था और 2400 आपका लीप ईयर होगा। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, इस करेक्शन के बावजूद जो हमारा जो लीप ईयर जो एक एक्स्ट्रा दिन आपका फेबर में ऐड करने के बाद भी, और हर आपका सेंचुरी में एक दिन आपका लीप ईयर नहीं रखना घटाना, उसके बावजूद हमारा जो जो सोलर कैलेंडर ईयर है वो 26 सेकेंड आपका जो सोलर ईयर है उससे आगे चल रही है, और ये जो 26 सेकेंड आपका 3320 सालों में एक दिन हो जाता है। तो ये भी आपका जो एस्ट्रोनॉमर से या जो साइंटिस्ट है उनका कहना है, हमें और फ्यूचर में भविष्य में हमें और एक करेक्शन करना होगा जिससे कि हमारा जो कैलेंडर ईयर है और सोलर ईयर है वो समान रहे। और उसकी ये सॉल्यूशन है कि हमें हर 4000 साल में या हर 3200 साल में हमें एक दिन और घटाना होगा, मतलब लीप ईयर उसको नहीं रखना होगा। लेकिन आपका ये भी गौरतलब है कि 4000 सन 4000 साल और 3200 साल की उस अवधि तक कौन जी पाएगा, कौन जिएगा, हालांकि हम लोग अभी 2020 तक है, 20 में है, तो ये एक बहुत ही फ्यूचर का प्रोपोनेंट आपका प्रोपोजिशन है। तो फिलहाल हम लोग अभी 2020 की ये करते हैं, और हमें हर 4 साल हमें लीप ईयर ऐड करना है, और हर सेंचुरी में जो कि आपका डिविजिबल नहीं होगा 4 से, उसको मतलब जिसका 00 से पहले जो नंबर आएगा वो डिविजिबल नहीं होगा अगर 4 से, तो उसे हमें लीप ईयर नहीं रखना है। तो ये था एक लेखा जोखा हमारा, व्हाट इज़ ए लीप ईयर, और उसको हम लोग कैसा आपका उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कैसा होता है उसी का एक लेखा जोखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा मेरा एनालिसिस, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।